नमस्कार, गया दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इस तस्लीम अहमद। आइए नजर डालते हैं गया कुछ खास खबरों पर। बालाचट्टी थाना क्षेत्र के केंद्रीय बनागार काहूदाग के निकट आज उत्पाद विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में 22,400 लीटर देसी विदेशी शराब व महुआ का विनिष्टीकरण किया गया। नष्ट किए गए शराब का बाजार मूल्य करोड़ों रुपए में आंकी गई। मौके पर मौजूद सहायक उत्पाद आयुक्त किशोर कुमार साह ने बताया कि जिले के विभिन्न थानों उत्पाद विभाग एवं ब्रेल थाना के कुल 348 मामलों में 22,400 लीटर देसी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि बोधगया में कल्चरल सेंटर के कार्यक्रम का शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को गया पहुंचे थे। कल्चरल सेंटर के कार्यक्रम का रिमोट द्वारा शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच से जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच एक महिला मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जबरन मंच की तरफ जाने लगी। उस महिला सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए डी जोन में जा घुसी, जिसे पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। हल्ला देख मीडिया कर्मी उस महिला की तरफ अपने कैमरे को घुमाया और कवरेज के लिए महिला की तरफ बढ़े। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि महिला को आने दीजिए, हम उसकी बात सुन लेंगे, उसे रोकिए नहीं। आप लोग देख रहे हैं कुछ हुआ नहीं कि मीडिया वाले अपना कैमरा महिला की तरफ घुमा दिए हैं। ये लोग तो चाहते ही हैं कि कुछ चप्पल फेंकने वाली जैसी घटना हो और न्यूज बन जाए, इसलिए महिला को आने दीजिए। उन्होंने कहा कि हम बहुत देर तक शांति है, उन्हें लग रहा है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है। मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों पर और भी ज्यादा भड़ास निकालते हुए कहा कि आप लोग क्या दिखाते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम काम करने वाले और नारी सशक्तिकरण वाले लोग हैं, हम सिर्फ काम करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि गांधी जी दो बातें कही थी, यह तो धरती हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन उसके देख रहे ना सारा माइंड उधर घुमा दिया। ये सबको तो लग रहा होगा इतना देर में तो कुछ हुआ नहीं, कल न्यूज क्या चला लेंगे। इंतजार तो कर रहा होगा कि कोई जरा सा कुछ फेंक दे। अरे क्या है के लिए कौन महिला को रोक रहे, ऊपर बुला लीजिए। ये देख रहे ना सारा माइंड उधर घुमा दिया। ये सबको तो लग रहा होगा इतना देर में तो कुछ हुआ नहीं, कल न्यूज क्या चला लेंगे। इंतजार तो कर रहा होगा कि कोई जरा सा कुछ फेंक दे। कुछ हुआ ही नहीं, देख बेचारी महिला मिलने के लिए आना चाह रही होगी तो घर ही लगा दिया। उसको बुलाइए ऊपर, बढ़िया से उससे मिलेंगे। हम नारी सशक्तिकरण वाले हैं, समझ गए ना? आप लोग क्या चलाते हैं उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। ये अच्छी तरह जान लीजिए, हम अपना काम करते हैं और काम करते रहेंगे, तो ये सबसे बड़ी बात है। गया के मोहरी मंडल भवन में डीजे की धूम के साथ इंडियन नाइट्स का आयोजन किया गया। सिटी क्लब द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दानिया नाइट के आयोजन अभिषेक कुमार, राम बाबू, संजय नेपाली, मिक्की मुकेश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी समस्या को लेकर मिलने वाली महिला सोनी कुमारी ने बताया कि वह साक्षर मिशन योजना के तहत संविदा पर वर्ष 2011 में बहाल हुई थी, जिसमें और भी कई लोग बहाल हुए थे। 7 वर्षों तक उनसे काम लिया गया। इस बीच मद निषेध, बाल विवाह, शराबबंदी जैसी कई योजनाओं में उन लोगों ने पूरी मदद की। अब यह कहते हुए कि वो लोग केंद्र सरकार के द्वारा रखे गए थे, वर्ष 2018 के मार्च मास में उन्हें हटा दिया गया, अब उनसे काम भी नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में अब वे लोग कहां जाएं? उनकी मांग है कि उन्हें संविदा पर समायोजन किया जाए। इसी मांग को लेकर वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाह रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी उन्हें संबंध में मदद करने का आश्वासन दिया है। काम करते आ रहे थे, इसी दरमियान अचानक एक लेटर निकलता है कि आप लोग की सेवा भी 31/3/2018 को समाप्त कर दिया जाता है। 7 साल से हम महिलाएं आत्मनिर्भर थी, आत्मसम्मान था हम लोग के पंचायत प्रखंड में, हम लोग सम्मान से जीती थी। आज हम सबको रोड पे ला दिया गया है। बस यही गुहार हम सीएम से लगाने आ रहे कि हम गुजरात के सूरत में गया के युवक की रॉड से सर पर मार कर की गई हत्या। मृतक अमरजीत कुमार पांडेश्वरी इलाके में किसी मिल में सुपरवाइजर का काम करता था और मिल में मजदूरों की आपूर्ति भी करने का काम करता था।
यह घटना उस वक्त हुई जब अमरजीत मिल से वापस घर लौट रहा था। तभी हिंसक भीड़ ने सर पर पीछे से रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। गया के कोच थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव के में मौत की खबर के बाद गांव में मातम छाया है। यहां उसके माता पिता और बहन रहते हैं। मौत की खबर के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अमरजीत के पिता BSF में सैनिक थे जो रिटायर्ड हैं। उन्होंने बताया कि वहां की गुजरात सरकार निकम्मी है, जो हिंसक घटनाओं को नहीं रोक पा रही है। इसी कारण वहां बिहार और यूपी के लोगों को बुरी तरह मारपीट की जा रही है। हिंसक भीड़ ने ही सर पर रॉड से हमला किया, जिससे मौत हो गई। वहां 15-16 साल से वह रह रहा था और मिल में काम कर रहा था। बताया कि वहां दो भाई रहता था। जब वहां हिंसक घटना बढ़ी तो एक भाई यहां आ गया। वह अपने परिवार के साथ रहता था, इसलिए नहीं आ सका। कुछ दिन पहले बात हुई तो हमने कुछ दिनों के लिए वापस बुलाया था। वही मृतक की बहन ने बताया कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। दंगाइयों ने यार यहाँ तो पूरा हंगामा करवा दिया। घर पर कौन बताया? रात में आया था फोन है। ड्यूटी गए थे, ड्यूटी से आ रहे थे, लौट के आ रहे थे। आप पीछे से सब लाग करके रड से मारा से पीछे ही लग गया थे। दुकान का फसाद हुआ है रात में ना, वही सब लगा है, वही रड से मारा है पीछे पीछे ही लगा ऐसे अति हुआ। आप फोन पर बात हुआ था ना, न्यूज में भी देख ही रहे थे कि दंगा फसाद हो रहा था। इसी के दौर में जब 10 बजे फैक्ट्री से अपना ड्यूटी करके क्वार्टर लौट रहा था रात में, तो गुजरात में जो दंगाई हो रहा है, गुजरात न प्रशासन न पुलिस कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लड़कों को चुन चुन कर पिटाई भी कर रहा है और अमरजीत कुमार सिंह को रास्ते में मर्डर कर दिया। ओ स्वामी क्या कर रहे हो? मेरा इधर ट्रांसफर हुआ तो मैं अपने इलेक्टोरल रोल में अपना एड्रेस ऑनलाइन अपडेट करता है। हमारा तो गांव है या शहर दोनों जगह वोटर कार्ड है। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। अब इलेक्टोरल रोल में सारे देश का डाटा दिखता है। ला ला, अभी ठीक कर लेते। गुड सिटीजन होने के नाते अपने मल्टीपल एंट्री को हटाने का जिम्मेदारी आपका। वजीरगंज प्रखंड वामपंथी मोर्चा दल की ओर से वजीरगंज प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में वजीरगंज प्रखंड की ज्वलंत समस्याओं एवं केंद्र व राज्य सरकार की दो रंगी नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन से आम सभा का आयोजन माकपा नेता शंभूशरण ने शर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में महिला पुरुष किसान मजदूर बेरोजगार युवक युवतियाँ व अन्य लोग पहुँचे। पिताजी माँ मैं वोट करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। देख रही हो, जब भी वोट देने जाता है तो मेरा आशीर्वाद लेकर जाता है। इसके लिए तो हम आज भी जिंदा हैं। जिंदा तो हम वोटर्स लिस्ट में भी हैं। आत्मा शांत नहीं है मेरी। कोई हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कर ले तो वोटर्स लिस्ट में से हमारा नाम कटवाना भी तो इसी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाएं, मरणोपरांत परिजनों का वोटर आईडी फॉर्म 7 जमा करके निरस्त कराएं। फॉर्म 7 MVSP.in पर ऑनलाइन भी आसानी से जमा कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही बड़े खबरों के लिए देखते रहिए गया दर्पण न्यूज़।